टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने बीती 15 अगस्त को संन्यास का ऐलान किया था। दरअसल आपको बता दें कि धोनी करीब 1.5 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और उसके बाद कोविड काल आने के बाद धोनी ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दुनिया को हैरान कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि MS धोनी ने जब संन्यास का ऐलान किया उस दौरान उनके सभी फैंस उनके वापस आने की उम्मीद कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि जिस तरीके से MS धोनी का करियर रहा है वो टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिता कर ही दम लेंगे, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि धोनी फोर्सफुली रिटायर हुए थे। आपको बता दें कि MS धोनी टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें टीम में खिलाने के मूड में नहीं थी। यही वजह थी कि यहाँ पर MS धोनी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। MS धोनी को नाराज़गी इस बात की भी थी कि जब जनवरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस साल की उसका ऐलान हुआ था तो उस दौरान MS धोनी को उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया था, जिसके बाद धोनी खासे नाराज थे और वो टीम में वापसी भी करना चाहते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें टीम में नहीं लाना चाहती थी और वो धोनी को स्कीम ऑफ थिंग्स से काफ़ी पहले बाहर निकाल चुके। इसके बाद कोविड महामारी आई और अचानक क्रिकेट बंद हुई, जिसके बाद धोनी को ये लगा कि अब शायद T20 वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा जी, और उन्होंने अचानक संन्यास का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। जिस तरीके से यहाँ पर MS धोनी ने संन्यास का ऐलान किया उससे हर कोई यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं धोनी को कुछ ना कुछ बात का बुरा जरूर लगा है, लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें आएंगी तो ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। बता दें आपको कि जो BCCI के पूर्व चयनकर्ता थे उन पर भी आरोप लगे थे कि MSK प्रसाद उनका नाम है, कि वो नहीं चाहते थे कि MS धोनी इस टीम का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ पर MS धोनी उनसे भी खासे नाराज नजर आए थे, जिसकी वजह से धोनी ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि इन खबरों को अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं लाया जा रहा है, अगर ये खबर सच है तो कहीं ना कहीं धोनी के साथ नाइंसाफी हुई थी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।